सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने सीखा था ये कैलकुलेटर बनाना। इसमें हमने सीखा था कि कैसे हम कंपोनेंट बना सकते हैं, कैसे उसको रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको डायनेमिक कलर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया था, हम यहाँ से डायरेक्टली एक बार हमने चेंज किया तो पूरा मतलब हमारे ऐप का कलर चेंज हो गया। ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कंप्लीट चीजें हमने सीखी थी कि हम कैसे कैसे ये सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे, हम इसको ब्लू कर देता हूँ पहले। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे इसमें नेविगेशंस मतलब इसमें इस वीडियो में नेविगेशंस हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे हम डायनेमिक इसको वो कर रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव यूआई। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या पे, यहाँ पे हुआ जैसे अगर हम, जैसे यहाँ पे जो हमने साइज दे रखा है इसको फिक्स साइज दे रखा है, अगर ये इससे बड़ा फोन आएगा तभी भी उसकी साइज उतना ही रहेगा, और इससे छोटा फोन होगा तभी भी इसकी साइज इतनी ही रहेगी। तो यार ये मतलब हमारा डायनेमिक नहीं हुआ। हमारे एक फोन के लिए ये ऐप सही है, लेकिन अगर यह बड़े ऐप मतलब बड़े फोन में हम इसे ओपन करेंगे तो भी साइज इसकी इतनी ही रहेगी। तो हम तो ये नहीं चाहते ना कि यार हमारी जो ऐप की साइज है वो एकदम स्टैटिक ही रहे, तो हम इसको डायनेमिक करना सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे हम इसको हम एपीके में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो मेनली हम इस वीडियो में ये तीन चीजें हम सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि हाँ एक और चीज, इस ऐप में हम जैसे हम आइकन कैसे लगाएं। जैसे हमारा ये आइकन है ना, हम ओपन, जैसे इस ऐप का आइकन कौन सा है, रुको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, इस ऐप का आइकन ये है, ये एंड्रॉयड वाला आइकन। तो हमें इसे अपना, जैसे ये सारे ऐप का अलग आइकन है ना, हम इसका एक आइकन भी यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे, ऐप आइकन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम काफी ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना यार। और हमारा ये लास्ट वीडियो आने वाला है इस हमारे कैलकुलेटर वाले सीरीज का। ठीक है, तो यार ये एक सीरीज आप देख लोगे ना तो आप रिएक्ट नेटिव पे अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने मेजरली सारी चीजें कवर कर दी जो एक स्टार्ट में डेवलपर को जाननी चाहिए। ठीक है, एक हमें हमने एक जैसे होता है ना कि यार हमने क्रैश कोर्स टाइप इसको पूरा बना दिया है, इसमें सारी चीजें हमने कवर की हुई है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम नेविगेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। नेविगेशन का स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेविगेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए ना हमको एक नेविगेशन की जरूरत होती है जिसका नाम है स्टैक नेविगेशन। ठीक है, तो हम स्टैक नेविगेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। ठीक है, और यहाँ पे नेट के कनेक्शन ना होने की वजह से मेरा यहाँ पे ये सर्च नहीं हुआ, तो हम फटाफट से इसको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं कि ये चीजें सर्च कर पाए। तो गाइस यहाँ पे हमारा नेविगेशन मतलब इंटरनेट कनेक्शन आ गया है, तो हम यहाँ पे reactnavigation.org ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे, इसको डार्क मोड में करेंगे, और यहाँ पे हम इसे रीड डॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है इन्होंने कि कैसे कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो हम इस इंस्ट्रक्शन का फॉलो करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये दे रखा है कि यार हम npm या yarn दोनों की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो npm से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे दूसरा टैब ओपन करेंगे और इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी इनटू एक्सपो प्रोजेक्ट। तो हम एक्सपो प्रोजेक्ट पे तो काम कर नहीं रहे हैं, हम तो नेटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें इस लाइन को स्किप करना है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी बेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट हमको तो ये चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये पैकेज इंस्टॉल करने होंगे। ठीक है, तो इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो अगर आप iOS के लिए बना रहे हो तो आपको cd iOS फोल्डर में जाना होगा चेन डायरेक्टरी करके, उसके बाद आपको npx पोर्ट इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, आपको वहां पे करना होगा, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड में काम कर रहे हो तो देखो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, एंड्रॉयड में जाओगे उसके बाद ऐप में जाओगे, उसके बाद src में जाना है, उसके बाद मेन में जाना है, उसके बाद जावा में जाना है, और उसके बाद आपके पैकेज में जाना, उसमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा होगा, उसमें आपको ये चीजें बस एक लाइन, ये लाइन आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक लाइन को कॉपी करेंगे और सिंपल इतना अंदर जाने का फायदा, मतलब हम जा सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कैसे हमको जाना है, और एक और शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आप वहां पे जा सकते हो। फिलहाल ये सारी चीजें मैंने क्लोज कर दिया। एंड्रॉयड में जाना है आपको, ऐप में जाना है, SRC में जाना है आपको, उसके बाद मेन में जाना है आपको, जावा में,
और उसका मेन एक्टिविटी डॉट जावा यहाँ पे आपको अपेंड करना है, ठीक है। तो एक और शॉर्टकट मैं बताता हूँ, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कंट्रोल पी क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन एक्टिविटी सर्च करना है, यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, आपको सिंपल यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको सिंपल किसी भी जगह पे आपको वो जो आपने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, हो गया आपका इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो ये सारी चीजें हो गई, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऐप है ना इसको हमको रीइंस्टॉल करना, मतलब रीबिल्ड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको जो हमारा चल रहा है उसको क्लोज करना है और यहाँ पे फिर से हमें इस कमांड को रन कराना है, क्योंकि कई सारी डिपेंडेंसीज को वो इंटरनली मैनेज करता है, तो रीइंस्टॉल्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल मतलब स्टार्ट होने देते हैं और उससे पहले हम अपना कुछ सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस नेविगेशन वाले फोल्डर से अब काम स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैक नेविगेशन डॉट js, ठीक है। स्टैक नेविगेशन क्यों लिखा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने अभी एक और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है स्टैक। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ये वाली भी इंस्टॉल करनी है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, नेटिव स्टैक, मैं बताता हूँ आपको, पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। स्टैक का मतलब होता है कि हम स्टैक वाइज, जैसे हम एक के ऊपर एक चीजें रखते हैं ना तो उसे स्टैक कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में अगर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाना होता है ना तो हमें स्टैक नेविगेशन का यूज करना पड़ता है, तो वही है स्टैक नेविगेशन, ठीक है। तो हमने स्टैक नेविगेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा गाइस, देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नेविगेशन कंटेनर, एक कंटेनर हमको यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है, नेविगेशन कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर हमको स्टैक नेविगेशन बनाना होगा, उसके अंदर हमें स्टैक अपना स्क्रीन डिफाइन करना होगा। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं समझाता हूँ, ठीक है। और बाकी मैं पूरे नेविगेशन पे एक ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, तो आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उसे जरूर लाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपना जैसे हम रिएक्ट नेटिव का अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाते आ रहे थे, हमको वही करना है, तो RNFV रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों चीजों को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे इन दोनों चीजों को यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। हमने सिंपल एक फंक्शन बना लिया, ओके, यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी कुछ रिटर्न नहीं किया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जैसे हमने यहाँ पे देखो, मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे हमने यहाँ पे पेजेस में होम पेज में स्प्लैश पे काम करेंगे ना, तो स्प्लैश ही दिखाता हूँ आपको। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले व्यू लिया, व्यू एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने टेक्स्ट ले रखा था, ठीक है। तो हमारे व्यू के अंदर हम जो भी स्टाइल वगैरह जो भी हम कंपोनेंट लिखेंगे, हम टॉप लेवल पे कंपोनेंट रखेंगे उसी के अंदर तो लिखेंगे, हमारा जो भी यहाँ पे है इसके अंदर ही तो लिखेंगे, तो ये पूरा हमारा एक कंटेनर हो गया, एक बॉक्स हो गया, इसके अंदर ही तो हम डिजाइन कर रहे हैं। वैसे ही नेविगेशन को हैंडल करने के लिए टॉप लेवल पे हमें नेविगेशन कंटेनर इंपोर्ट करना होता है, क्योंकि ये पूरे नेविगेशन को कंट्रोल करता है, उसका एक कंटेनर होता है, ठीक है। तो ये हमारा रूट लेवल का नेविगेशन, ये इनिशियलाइज करता है कि आपके ऐप में नेविगेशन का आप यूज करते हो। नेविगेशन कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप जाके देखोगे तो नेविगेशन कितने प्रकार के होते हैं, स्टैक नेविगेशन, ड्रावर, बॉटम नेविगेशन, ये सारे नेविगेशन होते हैं। इन सारे के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, वैसे भी आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ड्रावर नेविगेशन जो हमारे नीचे जो भी हम यहाँ पे सर्च करते हैं ना, नीचे होता है होम, अबाउट, ये सारी चीजें, और हमारा उसके बाद सॉरी ड्रावर नेविगेशन जो होता है ना, हम साइड में क्लिक करते हैं तो ड्रावर खुल के आता है, वो ड्रावर नेविगेशन होता है, और बॉटम नेविगेशन जो नीचे वाला होता है। तो मैं इस पे कंप्लीट ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो आपको कोई भी जरूर मतलब वरी होने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो उस नेविगेशन के पार्ट में होगा। तो सारे नेविगेशंस का टॉप कंपोनेंट होता है नेविगेशन कंटेनर, ठीक है, सब सारे नेविगेशन का। और हम अभी क्या यूज करने वाले हैं, स्टैक नेविगेशन, ठीक है, स्टैक नेविगेशन, क्योंकि हमको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाना होगा। तो स्टैक नेविगेशंस को हम इंप्लीमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल बनाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैक, कोई भी नाम आप दे सकते हो, इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, रिएक्ट नेटिव स्टैक नेविगेशन, क्या हुआ, स्टैक नेविगेशन, क्या नाम है इसका, क्रिएट नेटिव स्टैक, सॉरी क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ठीक है, नाम कभी कभी भूल जाता है। इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे एक हमको ऑब्जेक्ट बना लेना होगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम अपने नेविगेशंस को
इनिशियलाइज करेंगे, स्क्रीन जितने भी हमारे हमारे स्क्रीन है उनको इनिशियलाइज करेंगे। तो हम स्टैक नेविगेशन को इनिशियलाइज करने के लिए हमको टॉप लेवल पे इसका भी स्टैक डॉट नेविगेटर, ठीक है, हमें एक टॉप लेवल पे स्टैक डॉट नेविगेटर इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे स्क्रीन होगा। आपने रिएक्ट पढ़ा होगा तो आपको एक आपको ये वाला फ्लो याद होगा। सबसे पहले हम क्या करते थे, राउट्स बनाते थे, राउट्स बनाते थे, राउट्स के अंदर रूट बनाते थे, ठीक है, उसके ऊपर नेविगेशन कंटेनर बनाते थे, मतलब नेविगेशन कंटेनर ही था ना, मेरे को थोड़ा सा बोल रहा है ऐसा कुछ था, ऐसे बनाते थे ना। तो राउट्स राउट्स के अंदर मतलब बहुत सारे, एक तरह से स्विच केस वाला कंडीशन था ना वो, मतलब वो सीन था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है स्टैक नेविगेटर। इसके अंदर हम कितने भी स्क्रीन बनाते हैं स्टैक नेविगेटर, ठीक है, तो इसके अंदर हम स्क्रीन बनाते हैं, ये उसका रैपर कॉम्पोनेंट है, ठीक है। लाइक आप समझ लो कि यार ये हैंडल करता है कि हमारे कितने स्क्रीन है और कब कौन सा स्क्रीन ओपन होना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन सॉरी स्टैक डॉट स्क्रीन, स्टैक डॉट स्क्रीन, देखो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है स्टैक डॉट स्क्रीन, स्टैक से जो स्क्रीन हम इंपोर्ट करेंगे, ओके, और उसका हम नाम देंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं यहाँ पे होम दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कंपोनेंट यहाँ पे देंगे, कंपोनेंट यहाँ पे होम, ठीक है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। देखो ये कंपोनेंट जो है ना यहाँ पे जो हमने होम वाला जो यहाँ पे कंपोनेंट है ये वाला है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, आपको अगर भूले तो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपने ऐप में एक स्क्रीन बना दिया जिसका नाम होम है, ठीक है, और एक और स्क्रीन है हमारे जिसका नाम हमारा क्या है स्टैक डॉट स्क्रीन, जिसका नाम है स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, और उसका कॉम्पोनेंट क्या है हमारा, हमने कौन सा स्क्रीन बनाया था स्प्लैश, तो हम उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे स्प्लैश, स्प्लैश ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। और देखो हमने एक फाइल में बनाया था तो कितना इजी हो गया, हमारे कई सारे स्क्रीन हो सकते हैं तो एक ही में ये सारे अपेंड होते जाएंगे, और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं, बस इतना सा कोड है आपका, यहाँ पे नेविगेशंस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया गाइस, ठीक है, आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने में सक्षम हो गए अभी में, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा और देखना होगा ये इफेक्ट इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे होम स्क्रीन आ रहा है, अगर हम इस यहाँ पे स्प्लैश वाले को ऊपर कर दें और यहाँ पे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी मैंने इंप्लीमेंट किया ही नहीं, क्यों नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐप में ना हमने क्या कॉल किया है, हमने यहाँ से ऐप शुरुआत होता है और यहाँ पे हमने डायरेक्ट होम कॉल कर दिया है, यहाँ पे हमको होम नहीं यहाँ पे हमें अपना स्टैक नेविगेशन कॉल करना होगा, जो हमने ये बनाया है ना नेविगेशन में इसे कॉल करना होगा, इसे इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है, और हम यहाँ पे कर देंगे तो अब ये पूरा नेविगेशन के अंडर हो गया, ये सारे पेज जो है नेविगेशन के अंडर में हो गए, ठीक है। अगर अब हम रिफ्रेश करेंगे इसे तो ये देखो प्रॉपरली काम करेगा, ओके। देखो गाइज यहाँ पे कुछ एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज काम करना होगा, ये इंटरनली जैसे इसको क्या करना होगा बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे एरर आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बहुत इजी टेक्निक बताता हूँ, आपको क्या करना है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है, कभी कभी ये सिंक नहीं कर पाता है तो इसे हमें कुछ डिपेंडेंसी होती है जो इंटरनली भी डाउनलोड करता है ये, तो उसे टैकल करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कई सारे ऐसे पैकेज होते हैं जिनके लिए हमें यहाँ पे एरर आता है, वो प्रॉपरली कॉन्फिगर नहीं हो पाते हैं, तो हमें एक चीज वहाँ पे करनी पड़ती है और मैं उन्हें करके बताता हूं आपको। देखो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया, हमें क्या करना होगा, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम इसे क्लोज प्रोजेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे ओपन करते हैं, हमको कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च यहाँ पे पहले क्लियर कर लेंगे और यहाँ पे PWD करेंगे, हमारा पाथ आ गया। सबसे अच्छा आप यहाँ पे देख लो कहाँ पे आपको लोकेशन है, सबसे अच्छा जाओ देखो यहाँ पे हमारा कहाँ पे यूजर्स में आई विशाल में हमने कहाँ प्रोजेक्ट बनाया है, डॉक्यूमेंट्स में हम जाएंगे और उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव में जाएंगे, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट्स में जाएंगे यूट्यूब में, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और यूट्यूब में जाएंगे, हमने जहाँ पे भी अपना रख रखा है हम उसी फोल्डर में जाएंगे, हमारा ये वाला है इसके एंड्रॉयड वाले जो फोल्डर है यहाँ पे देख लो इसका एंड्रॉयड वाला है, इसको बस ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आप ओपन कर लेना है, ओके, वो वाला फोल्डर। उसके बाद आप इस बिल्ड वाले फोल्डर को यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे ये कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है, इंटरनली कुछ पैकेजेस को ये डाउनलोड करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो
तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्ड सक्सेसफुल इन 30 सेकेंड, 36 सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, ये गलती से दब गया, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो है ना आपको देखो सिंक, यहाँ पे आपको सिंक करना होगा, इस वाले आइकन पे आपको एक बार क्लिक करना होगा और ये सिंक होगा सारी, ठीक है। सारी फाइल्स अपने में सिंक हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी ये डाउनलोड्स करता है तो यहाँ पे थोड़ा वक्त लग सकता है। बाय द वे हमारा तुरंत ही सिंक हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्टली सिंक हो गया, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा प्रॉपरली ऑन हो जाना चाहिए, नहीं तो हमें एक बार और मतलब इसको कट करके यहाँ पे वो करना पड़ेगा। बाय द वे ये चीजें नहीं हो रही हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार दोबारा इसको रन करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे हम फिर से दोबारा हम यहाँ पे इसको रन करा देंगे, ठीक है। गाइस ये फेल्ड इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने बंडल को, यहाँ पे इसे बंडल मिल नहीं रहा है और हमने एक स्टेप मिस कर दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने ऐप एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, यहाँ पे हमने जो इम्पोर्ट किया ना, हमें बंडल को इम्पोर्ट करना होगा। देखो इन्होंने साफ तौर पर बता रखा है, यहाँ पे हम बैक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे मेक श्योर यू, यहाँ पे आपने ये बंडल को इम्पोर्ट करना मतलब करना चाहिए। तो हमें बंडल, हमने बंडल इम्पोर्ट करना हम भूल गए थे इसलिए एरर आ रहा था, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हो सकते हैं, और आप एक बार जो एरर आ रहा है उसको एक बार पढ़ा करो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से अपना ये कमांड रन करेंगे और इस बार तो हमारा कमांड 100% रन कर जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्ड सक्सेसफुल, तो हमारा ये प्रॉपरली इंस्टॉल एंड बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, 90 सेकेंड में रन कर गया, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर इसे ऊपर कर दें होम वाली स्क्रीन को, ठीक है, तो यहाँ पे होम स्क्रीन आएगा, हम रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे और देखो यहाँ पे हमने होम स्क्रीन किया तो होम स्क्रीन आ गया, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमें एक चीज हमें दिख रहा होगा, अरे यार मैंने कट कर दिया, सॉरी। तो पहली बात तो हमें एक चीज दिख रहा होगा, उसे वो रन हो रहा है बैकग्राउंड में, कोई नहीं। हमें यहाँ पे देखो यार एक ये यहाँ पे हेडर आ रहा है, यहाँ पे होम और स्प्लैश में हमें नहीं चाहिए यार ये हेडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये टॉप लेवल है ना, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, स्क्रीन ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन नाम का एक पैरामीटर होता है, अरे यार, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर सोन, हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लेंगे ना, हेडर सोन, यहाँ पे हेडर सोन, जो ये हेडर है ये शो करेगा या नहीं, हम इसे फॉल्स कर देंगे, दैट्स इट, यहाँ पे हट जाएगा। ये एक बार रन कर रहा है ग्रेडल, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिंग टू मेट्रो, हमने गलती से मैंने काट दिया था इसे, तो इसलिए ये ओपन हो रहा है, फिर से देखो अभी ये चल रहा है, तो गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। तो ये इस लाइन में ना, हम इस लाइन से ये हो गया हेडर सोन, हमें हेडर नहीं चाहिए, जो आप हेडर दे रहे हो ना बाय डिफॉल्ट हमें नहीं चाहिए, तो ये लाइन ये कह रहा है, ठीक है। बाकी यार नेविगेशन पे डेप्थ में वीडियो बनाऊंगा मैं, एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इस तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए होगा नेविगेशन पे कंप्लीट वीडियो, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर वो वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेविगेशन में, इतने डेप्थ में मैं आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसे रन होने देते हैं, तो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, दोबारा रन करना पड़ गया हमें, और देखो यहाँ पे हमारे ऐप में जो हेडर था वो खत्म हो गया, मतलब हट गया, ठीक है। और इसके बाद एक और यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे देखो यार यहाँ पे क्या होता है ना, एक चीज आपको बताता हूँ उसके बाद ये बताता हूँ। तो यहाँ तक हमारा हो गया, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी पहले, सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन दिखाएंगे और उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन 2 सेकेंड के बाद हमारा नया ये वाला स्क्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐप आप ओपन करते हो तो पहले स्प्लैश स्क्रीन दिखता है, ठीक है, और उसके बाद वो हमारा रियल स्क्रीन दिखता है, ठीक है। जैसा कि मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कैलकुलेटर ऐप है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही कैलकुलेटर ओपन करोगे तो आपका ये स्क्रीन ओपन होगा, उसके बाद ये स्क्रीन ओपन होता है, यही तो होता है फ्लो। यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा, उसके 2 सेकेंड बाद ये आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यही फ्लो होता है ना। तो हमको भी यही चीज अचीव करनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें स्प्लैश स्क्रीन ओपन करना है, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, अगर तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, मैं लिनक्स यार इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ, लिनक्स काफी सही है, यहाँ पे दो दो टर्मिनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे आप स्प्लैश स्क्रीन आ गया, यहाँ पे स्प्लैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यार एक बार एक काम करते हैं, इसको हम बीच में कर देते हैं, स्टाइल फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये जो हमारा स्प्लैश लिखा हुआ है, हम इमेज लगाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, पहले हम इसे सेंटर में कर देते हैं। तो देखो कंट्रोल एस, यहाँ पे स्प्लैश हमारा जो है बीच में आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन को यहाँ पे लाना है, उसके बाद उसके 2 सेकंड बाद हमारा रियल स्क्रीन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूज इफेक्ट का यूज करना होगा, ठीक है। तो यूज इफेक्ट, यहाँ पे देखो सजेशन दे रहा है ये, यूज इफेक्ट यूज करना होगा। यूज इफेक्ट आपको पता होगा, अगर आपने यूज किया होगा रिएक्ट, आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा यूज इफेक्ट क्या होता है। यूज इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम कभी भी ये वाला जो ऐप रन होगा ना, तो एक बार सबसे पहले ये रन होगा, ठीक है, ये यूज इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कि कितनी बार ये री रेंडर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा कॉम्पोनेंट ये आए, हमारा जैसे ये स्प्लैश स्क्रीन आए, उसके बाद हम सेट टाइम आउट फंक्शन जो होता है, सेट टाइम आउट, उसको हम कॉल करेंगे कि हमको टाइम डिसाइड करना है कि हमें कितने टाइम बाद हमको दूसरा, मतलब हमको अपने उस स्क्रीन में जाना है। तो हम यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे कि यार अगर हमारा 1 मिनट हो गया, यहाँ पे सबसे पहले लोड होगा, उसके 1 मिनट बाद हम क्या करेंगे, हमको जाना है नेविगेशन, ठीक है। यहाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन यहाँ से पास कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ आप बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, तो गाइज अगर हमने इस स्टैक नेविगेशन के अंदर जितने भी स्क्रीन को यहाँ पे कॉल किया है ना, उनके अंदर यहाँ पे पैरामीटर में बाय डिफॉल्ट ये नेविगेशन नाम का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और इसकी मदद से हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाते हैं, ठीक है। आप मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेशन, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमको ये एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो भी इसके अंदर जो भी स्क्रीन आप मतलब असाइन करोगे, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आता है वहां से बाय डिफॉल्ट नेविगेशन नाम का, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे, नेविगेशन डॉट नेविगेट, हम कहां पे नेविगेट करेंगे, हम करेंगे होम स्क्रीन में, ठीक है। जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है ना, देखो यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, वो वाली स्क्रीन लिखनी होगी। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा हो गया, जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश में करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये लोड होगा, यहाँ पे लोड होगा तो स्प्लैश आएगा, स्प्लैश के बाद यहाँ पे हमारा ये स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ईजी हो गया ना कि हम मतलब नेविगेशन हमने टैकल कर लिया। लेकिन एक चीज आपने सोची कि अगर आपने यहाँ पे होम लिखा है, अगर गलती से आपका यहाँ पे यच जो है स्मॉल हो जाता है तो क्या दिक्कत होगा, देखते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ गया, नेविगेशन विथ, यहाँ पे ये एरर आ गया कि हमको नहीं पता है भाई ये आपका ये कौन सा स्क्रीन आप बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, आप कृपया इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो हम कहेंगे यार उसका नाम हमें देखना पड़ेगा और फिर हम वो करेंगे, तो ये प्रॉपरली होगा, उसके बाद रिफ्रेश भी हमें करना पड़ेगा। तो यार एरर के चांसेस कितने ज्यादा हो गए आपको पता लग रहा है, मतलब हाँ कि यार हमें अगर स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो इतना ज्यादा हमारे साथ नुकसान हो सकता है, हमारा कोड फट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज आई हमें समझ में, कि हमें एक और चीज इसमें इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो हम अपने कॉन्स्टेंट वाले जो कॉन्स्टेंट वाला हमारा सॉरी कॉम्पोनेंट नहीं, हमने जो बनाया था कॉन्स्टेंट नाम से ना, हमने देखो यार ये बटन कंपोनेंट ना हमने कांस्टेंट में बना दिया, हमें कंपोनेंट में बनाना चाहिए था, ठीक है, गलती किया था इसने, आपने नोटिस किया हो ना किया हो, ठीक है। तो बाकी आप बना लेना, ठीक है, मैं उसको फिर से, ये क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे हमने एक गलती की, हमें फिर से रीबिल्ड करना पड़ जाएगा, कभी कभी ये ऑटोमेटिक वो नहीं कर पाता आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसे बिल्ड होने देते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बताते हैं कि यार ये जो हमने एरर देखा उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो हम अपने कॉन्स्टेंट वाले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, या सबसे अच्छा हम नेविगेशन वाले में जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, नेविगेशन स्ट्रिंग, आप नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन ये नाम ज्यादा प्रिफेबल होगा कि हाँ यार नेविगेशन स्ट्रिंग, सारे नेविगेशन के स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन होंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे दे देंगे, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे होम कर दिया, होम पे नाम दे दिया हमने ये वाला नाम जो हमने यहाँ पे यूज किया है।
वैसे ही हमने स्प्लैश कर दिया, यहाँ पे हम ऐसे ही फॉर्म, यहाँ पे हम इसी टाइप का यूज करते हैं, एक कैप यहाँ पे पूरा कैपिटल में होगा, इस टाइप का हम जो है पैटर्न यूज करते हैं। आप कैसे, आप दोनों एक ही तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये चीज हमने असाइन कर दिया, ये की है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है, की वैल्यू में हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली पास किया है ना, यहाँ पे नाम इसका स्प्लैश और इसका नाम हमने होम किया है, ठीक है, वो npx यहाँ पे कुछ आ रहा है, मैं अभी उसको टैकल करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमने डायरेक्टली पास किया ना स्प्लैश और होम, उसको हम ऐसे पास नहीं करेंगे, हम पास करेंगे इसको इस तरह से, नेविगेशन स्ट्रिंग डॉट स्प्लैश, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन स्ट्रिंग डॉट होम, ठीक है, हम इस तरह से इसे पास करेंगे, जिससे हमारे एरर आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने इसको की और वैल्यू के पेयर में हमने दे रखा है कि। तो देखो यार यहाँ पे इसका क्या होगा, हमने यहाँ पे एक सारी चीजें स्टैक नेविगेशन में स्ट्रिंग दे रखा है कि यार होम के अंदर हमारा होम है और स्प्लैश के अंदर स्प्लैश है, तो हम स्क्रीन का नाम कहीं पे भी हम हमसे गलती नहीं होगी, हमको जहां पे भी यूज करना होगा हम डायरेक्ट ये होम ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे नेविगेशन स्ट्रिंग डॉट होम, तो यहां पे ऐसे करेंगे तो हमारे जो एरर आने के चांसेस है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच आप फॉलो करना, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया हम नेविगेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपने ऐप में नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉपरली काम करने लग गया है हमारा ऐप जो है, हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्प्लैश स्क्रीन आएगा, उसके बाद हमारा होम स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। हो गया हमारा स्प्लैश स्क्रीन का काम, हो गया। अब हमें क्या करना है यार, देखो स्प्लैश स्क्रीन ऐसा तो नहीं होता ना यार कि बस एक टेक्स्ट आए और मतलब उसके बाद ये आ जाए, हमें बीच में एक इमेज चाहिए होगा ना। तो अब हम इमेज को कैसे, हम इमेज को टैकल करते हैं, तो सबसे पहले हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपने डाउनलोड कर लेना है, कैलकुलेटर का हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे एसेट फोल्डर में, इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस फोल्डर यहाँ पे कॉपी कर देते हैं एसेट नाम के फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक आइकन आ गया है, ठीक है। हमको क्या करना होगा, इसे इंपोर्ट करना होगा। एक और ट्विस्ट दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे अगर आपके पास एक यहाँ पे इमेज है, एक इमेज है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इमेज नाम का प्रॉपर्टी लोगे, इमेज यहाँ पे आई एम इमेज, रिएक्ट नेटिव से इमेज इंपोर्ट होगा, यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे रिएक्ट नेटिव से डायरेक्टली इमेज इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, ठीक है। और इमेज इमेज के अंदर हम यहाँ पे करेंगे सोर्स, और सोर्स के अंदर हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे, क्योंकि हमारा लोकल पैकेज है, रिक्वायर के अंदर हम अपना स्ट्रिंग देंगे कि कहाँ पे हमने रखा है अपने इसको, एसेट के अंदर हमने रखा है कैलकुलेटर डॉट png, ठीक है, ये करना है, और उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। लेकिन 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 आपको यहाँ पे वो विजुअल नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो हमने कर तो दिया लेकिन यहाँ पे विजुअल नहीं होगा, ये देखो काफी बड़ा आ रहा है, कई बार विजुअल नहीं होता लेकिन काफी बड़ा आ रहा है। तो अब हम इसको, इसकी साइज यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल देते हैं और इसकी साइज दे देते हैं हम हाइट और विड्थ, ठीक है। यहाँ पे हम हाइट दे दिया 95, एंड विड्थ दे दिया हमने 95, ठीक है, हमने 95 95 हाइट विड्थ दे दिया। और अब हम इसके रन कराते हैं, तो अब आपको देखने को मिलेगा, देखो बीच में कैलकुलेटर आ रहा है, उसके बाद ये हमारा स्क्रीन आ रहा है, तो अब काफी अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे हमारा ये स्क्रीन आ रहा है उसके बाद हमारा ये स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यार देखो हमारा कितना अच्छा होगा। लेकिन 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 अगर हमने इसे यूज बार बार करना है, ठीक है, तो हम बार बार इसको मतलब कई बार ऐसे यूज करना है, तो हमें बार बार ये लाइन लिखना पड़ेगा हमें एसेट कैलकुलेटर डॉट png, और कल को अगर ये नाम चेंज हो गया या कहीं ऐसा हो गया तो हमें हर जगह पे यहाँ पे ये जाके अपडेट करना होगा, तो ये तो सही अप्रोच नहीं है ना, नहीं है ना। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और कॉन्स्टेंट वाले फोल्डर में, तो हम यहाँ पे एक बनाएंगे इमेज पाथ डॉट js, ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हम हमारा क्या था वो ऐप लोगो, ठीक है, ऐप लोगो ही तो था वो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे रिक्वायर करेंगे, और उस पैकेज को हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम कैलक्यूलेटर डॉट png, ठीक है, हम यहाँ पे ये कर देंगे,
अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कहीं पे भी हमको जहां पे भी यूज करना होगा ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज पाथ जो हमने बनाया डॉट डॉट हमारा ऐप लोगो, हमने बस यहाँ पे इतना कॉल करना है, बस हमारा हो गया। और अब हम कितने भी कहीं पे भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और इसका नाम अगर चेंज करें तो हमें एक बार ही अपना नाम चेंज करना होगा और वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये हमारे बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी हमारे इस प्रोजेक्ट में बस एक ही इमेज यूज हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपको ये अप्रोच फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहां तक तो हमने सारा अपना स्प्लैश स्क्रीन वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब मुद्दा ये आता है, जैसा हमने आपको बताया था, एक चीज बताया था कि यार हम क्या करेंगे, सारी चीजों को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। जैसा यहाँ पे हमने स्टैटिक विड्थ दे रखा है 95 पिक्सल, यहाँ पे 95 पिक्सल, तो ये तो यहाँ पे तो है, लेकिन बड़े स्क्रीन में भी वो 95 पिक्सल ही होगा और इससे भी छोटे स्क्रीन में वो 95 पिक्सल ही होगा, तो हम इससे कैसे हैंडल कर पाए। ठीक है, एक तो है तरीका हम परसेंटेज में दे, लेकिन वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है साइज रिएक्ट नेटिव साइज मैटर्स। ये काफी ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है, मतलब एक तरह से मतलब एक पैकेज है, और इसका हम यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। इसके वीकली डाउनलोड देख रहे हो, 117153 वीकली डाउनलोड, पर वीक डाउनलोड होता है। ठीक है, और ये काफी सही मतलब है, काफी लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना होगा और सीधे अपने पैकेज में जाओ और इसे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और ये क्या क्या कॉपी हो गया भाई, हमें बस यहाँ पे करना है npm i react native size matters, इसके हमें डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और ये डाउनलोड हो जाने के बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, देखो हमें क्या करना होगा, देखो स्केल वर्टिकल स्केल मॉडरेट मॉडरेट स्केल, तीन तरह की स्केलिंग यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कहाँ पे यूज होता है। देखो हम अगर हमने अगर हाइट के साथ काम करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें हाइट के साथ काम करना है तो वो वर्टिकली होता है हाइट, तो हम यहाँ पे वर्टिकल स्केल का यूज करेंगे क्योंकि वो टॉप टू बॉटम इस टाइप से मतलब हमारा इस टॉप टू बॉटम ये मतलब हाइट को डिसाइड करता है। अगर हमें मतलब विड्थ के साथ वो करना है तो हमें क्या करना होगा, स्केल स्केल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ये कंसीडर होता है। अगर हमें चारों तरफ से जैसे जैसे हम अगर पैडिंग करते हैं किसी में या फिर फॉन्ट का साइज होता है तो वो चारों तरफ से ना टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चारों तरफ से होता है, तो उसे हम मॉडरेट स्केल के यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि किसको कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया ये चीजें हमारे हाइट के साथ यूज होती है, अगर हमें कहीं पे भी हाइट करना है तो यहाँ पे हाइट के साथ ये चीजें यूज होती हैं, ये चीजें हमारी विड्थ के साथ यूज होती हैं, और ये चीजें हमारी मतलब एक तरह से हमारा फॉन्ट साइज के जहाँ पे फॉन्ट साइज का होता है ना, फॉन्ट साइज वहां पे ये यूज होता है। बाकी पैडिंग वगैरह भी आप कई जगह यूज करते हो तो पैडिंग वगैरह भी आप मॉडरेट स्केल का यूज करते हो, तो यहाँ पे ये तीनों ऐसे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे हाइट दे रखा है, हाइट में हम क्या यूज करते हैं, वर्टिकल स्केल, तो यहाँ पे हम वर्टिकल स्केल को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल स्केल, और वर्टिकल स्केल के अंदर हम इस 95 को लिखेंगे। ठीक है, और हाइट वेट को हम कहाँ से करेंगे, हम स्केल से करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम वेट को यहाँ पे ये स्केल से हम यहाँ पे इस स्केल के अंदर इसको रखेंगे। ठीक है, और इसको ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे, ये डायरेक्टली वर्टिकल स्केल हो गया, लेकिन हमें स्केल करना है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमें स्केल यहाँ पे इंपोर्ट कर देना अगर ये ना आए तो। ठीक है, तो देखो यार ये यहाँ पे हो गया और अब ये एकदम रिस्पॉन्सिव हो गया। ठीक है, ये इसी स्क्रीन के साथ नहीं, कोई भी अगर आप फोन यूज करते हो वो इतना ही साइज आएगा, हर मतलब ये डिस्प्ले पिक्सल के हिसाब से उसकी साइज को लेता है। ठीक है, तो अब जहां जहां पे हमने ये सारी चीजें मतलब हमने स्टैटिक यूज किया हुआ है, साइज साइज जहां जहां पे भी हमने स्टैटिकली यूज किया हुआ है वहां वहां पे हम सारी चीजों को डायनेमिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने जहां जहां पे यूज किया एक बार आप देख लो, जैसे बॉर्डर रेडियस हमने ये किया है, तो ये बॉर्डर रेडियस होता है ना चारों तरफ से होता है, तो हम यहाँ पे मॉडरेट स्केल यूज करेंगे। ठीक है, मॉडरेट स्केल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडरेट स्केल, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिंपल इसको इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम सारी चीजों को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, मॉडरेट स्केल के अंदर यहाँ पे हम कर देंगे इसको,
और ऐसे ऐसे करके सारे चीजों में हम कर देंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे कर देना, बाकी फॉन्ट को भी मॉडरेट स्केल में आप यहाँ पे रैप कर देना, तो वो भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करके आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर लेना, और ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट को आपने कर देना कि वो सारी चीजें डायनेमिक हो जाए। जितने भी यहाँ पे हैं आपके, यहाँ पे 30 30 30 सारे को कॉपी करके आप यहाँ पे यूज कर लो, तो आपका सारा डायनेमिक हो जाएगा। देखो सारा चीज डायनेमिक हो गया, तो आप इसको डायनेमिकली यूज कर सकते हो और काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी पता चल गया कि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को कैसे, मतलब रिस्पॉन्सिव को कैसे कर सकते हैं। बस आपको ये तीन चीजें यूज करनी है, आपका ऐप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव काम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा चांस आता है कि हमें यहाँ पे ना ये जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसका आइकन चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एक वेबसाइट पे जाना होगा जो होगा हमारा, हाँ ये वेबसाइट आप नोट कर लेना, easyappicon.com, ये काफी सही रहता है। इसमें सारा विजुअल आपको दिख जाता है कि कैसे कैसे आइकन्स होंगे, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। तो हम इस आइकन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आप इसकी पैडिंग वगैरह कर सकते हो कि आईफोन में कैसा दिखेगा ये और एंड्रॉयड में कैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से इसकी पैडिंग कम ज्यादा कर सकते हो। देखो यहाँ पे पैडिंग कम ज्यादा जैसा भी हो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, पूरी कंट्रोल होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर यही रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। उसके बाद आपको देखो क्या यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये फाइल। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे iOS प्लस एडप्टी आइकन और iOS प्लस लेगेसी आइकन, ठीक है। तो हमें एडप्टी आइकन को डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आइकन बना के हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये डाउनलोड हो जाने देते हैं, उसके बाद इसे ओपन करते हैं, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल, और यहाँ पे इसी फोल्डर में हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, और इसके अंदर देखो हमारा क्या हुआ, एंड्रॉयड वाले जो फोल्डर में ये सारे फाइल क्रिएट हो गए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, देखो यार यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो हमारे ये इतने फाइल्स हैं ना, ये सारे फाइल, इन सारे फाइल को हमें एक दूसरे फाइल में मूव करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारा जो ऐप था ना उसको ओपन करेंगे पहले। तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर, यहाँ पे ये मिनिमाइज हो गया। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक नया विंडो ओपन करेंगे। कहाँ से नया विंडो ओपन होगा भाई, विंडोज ई पे कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। और उसके बाद हम अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हमारा रिएक्ट नेटिव में है, यूट्यूब में है, कैल नाम से था। हम जाएंगे एंड्रॉयड में, और एंड्रॉयड में ऐप में जाएंगे, ऐप के अंदर SRC में जाएंगे, SRC के अंदर मेन में जाएंगे, मेन के अंदर RES में जाएंगे। ये देखो ये पाथ आपको याद होना चाहिए, हमको कहाँ कहाँ पे जाना है। हमें जाना है, देखो हमें जाना है पहले अपने एंड्रॉयड फोल्डर में, फिर ऐप में, फिर SRC में, फिर मेन में, फिर RES में, ये वाला फोल्डर में जाना है। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा ना, MIDPI और ये SDPI, ये चार फाइल, ये चार फाइल दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, ये चार फाइल, 1 2 3 4 5 6 4, मतलब SDPI यहाँ से कॉल करना है, HDPI, LDPI, अच्छा इसमें एक दो एक्स्ट्रा भी है। तो आपको क्या करना है, इन सारे को यहाँ पे कॉपी करना है, और सिंपल सॉरी यहाँ पे इन सारे को कॉपी करना है जिसके आगे यहाँ पे SDPI DPI लिखा हो ना, आपको ये सारी चीजों को कॉपी करना है और सिंपल यहाँ पे ओवरराइट कर देना है, रिप्लेस कर देना है इन सारे चीज, सिंपल एज दैट। हो गया आपका आइकन चेंज हो गया, बस इतना काम करना था आपको, सिंपल रिप्लेस कर दिया ना आपने। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सर्वर को, और उसके बाद इस सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करता हूँ, और आप जादू देखना, देखो जादू, अरे यार मैंने तो फिर से इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो जादू, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऐप को रन कराएंगे, ठीक है, दोबारा। और अब जादू देखना, यहाँ पे कैल जो है ना अभी ये आइकन आ रहा है, और अभी जादू होके ये इसका आइकन चेंज हो जाएगा, बस इतना एक लाइन ऑफ कोड में ये जादू होने वाला है। तो आप देखते जाओ, देखो इसका आइकन चेंज होगा, देखो देखो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। अब हमारा जो कैल वाला था उसका आइकन ये चेंज हो गया। तो इतना इजी था इसका आइकन चेंज करना, मतलब यार बच्चों का खेल था ना एकदम। अगर आपको पता होगा ना तो 1 सेकेंड में आप कर लोगे, बस आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे यूज कर लेना है। एंड्रॉयड में बता दिया, iOS में मेरे पास iOS नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम मैं उसका बता नहीं पाऊंगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि iOS है नहीं मेरे पास, मतलब मैक नहीं है, ठीक है, मेरे पास विंडोज है।
बाकी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि iOS वाला भी बता दूं, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि ऐप का आइकन कैसे हम लगाते हैं, ठीक है। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन एंड हमारा फाइनल टॉपिक कि हम इसे APK में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड है ना, बिल्ड में जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे होगा ना बिल्ड में जाके जनरेट, यहाँ पे सॉरी जनरेट साइंड बंडल APK, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे APK पे टिक करके नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें पूछेगा, की स्टोर पाथ, यहाँ पे आपको की स्टोर का पाथ देना होगा। तो की स्टोर क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर जैसे आपको देखो की स्टोर कहाँ पे मिलेगा, आप अपने एंड्रॉयड में जाओगे, ऐप में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगा, देखो डिबग डॉट की स्टोर, ये वाली फाइल को वो मांग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल वही चीज आपको फंडा अपनाना पड़ेगा। आप अपने क्या करोगे, कहाँ पे जाओगे, देखो कहाँ पे जाना है आपको, आपके यूजर्स में जाना है, जहाँ पे भी आपका फोल्डर है, और यूजर्स में जाके यहाँ पे जाके मेरे को डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाके कोडिंग में जाना है, और रिएक्ट नेटिव में जाना है, और यहाँ पे हमको यूट्यूब में जाना है, और कैल में जाना है, और उसके बाद एंड्रॉयड में ऐप में, और ऐप में हमारा डिबग डॉट ग्रेडर सॉरी डिबग डॉट की स्टोर वाला फाइल है, इसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाथ ले लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है की स्टोर पासवर्ड, की स्टोर एलिया की पासवर्ड, तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, उसी फोल्डर में बिल्ड डॉट ग्रेडल आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका ये सारा चीज लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे मिल रहा है की स्टोर पासवर्ड आपका क्या है, एंड्रॉयड, तो इसको कॉपी कर लेना है। तो की स्टोर पासवर्ड में आप एंड्रॉयड, और यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर देना है, और देखो यहाँ पे की स्टोर एलियाज में क्या है, एंड्रॉयड डिबग की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एलियाज डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिमेम्बर पे टिक कर देना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको रिलीज पे क्लिक करना है, क्रिएट कर देना है, बस। उसके बाद आपका ये जो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके APK में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ टाइम लेगा, और यहाँ पे APK में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, और हार्डली पहली बार में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, कुछ चीजें डाउनलोड करता है, उसके बाद ये काफी कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद ये चीजें यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म होते ही यहाँ पे APK में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उस APK को अपने फ्रेंड के साथ भेज सकते हो और बता सकते हो कि यार मैंने पहला प्रोजेक्ट बना लिया, और अपने फोन में इंस्टॉल कर लो और इस कैलकुलेटर का यूज कर लो। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो गाइस फाइनली सक्सेसफुली हमारा ये APK जनरेट हो गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया लोकेट, यहाँ पे करके आप देख सकते हो इस रिलीज के अंदर हमारा ऐप APK ऐप रिलीज डॉट APK यहाँ पे आ गया है, और आप इस APK को अपने मोबाइल में भेज के इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हमने कैलकुलेटर बना के उसका APK भी जनरेट कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका पहला APK आपके पास है, और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भेजो और इंस्टॉल, आप दिखाओ कि आपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लिया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, प्रोजेक्ट क्रिएशन से लेके APK तक का हमने सफर तय किया है। आई होप आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होगा ये वीडियो, और इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, और आपने सीखा होगा रिएक्ट नेटिव में हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए, और आपने इस सारे सेशन को काफी सही से एंजॉय किया हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज, काफी ज्यादा मेहनत लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ यार, ये जो चैनल है ना हमारा IT डूड, बहुत जल्दी इसका नाम चेंज होके ऑप फॉर कोड होने वाला है, OPT फॉर कोड, ऑप फॉर कोड, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा, मतलब इसको नाम चेंज करने के पीछे रीजन ये है कि हमारा IT डूड नाम से डोमेन मिल नहीं रहा था मुझे, और मुझे इसको, इस चैनल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। इसका मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आएगा, उसमें ऐप में भी आप कई सारी फीचर्स होंगे, इसके वेबसाइट्स आएंगी, इसमें कई सारी चीजें हम लाने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत मतलब बड़ा एक शुरुआत होने वाला है। तो इसलिए इसका नाम ऑर्ग फॉर कोड होने वाला है, बहुत जल्दी ऑर्ग फॉर कोड हो जाएगा। तो इस पे पूरी तरह से प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी आपको, अगर कोई भी क्लोन वगैरह बनाने के लिए आपको रिकमेंडेशन देना है तो कमेंट में जरूर बताना। तो सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।